मॉर्निंग पाकिस्तान. जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं एक बड़ा अच्छा सा और प्यारा सा सेगमेंट, हर घर की जान होना चाहिए सेगमेंट, क्योंकि यह है सेहत का सवाल. सो जी हाँ पाकिस्तान, यहाँ आज का जो टॉपिक है वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और वो ये है इनफर्टिलिटी. लेकिन मैं अकेले थोड़ी बात कर सकती हूँ इन सारी चीज़ों पर. हमारे साथ है हमारे प्यारी सी स्वीट सी दोस्त नाजिया. कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल है? सेट हो? बिल्कुल सही, और बहुत अच्छा टॉपिक है आज का. हाँ जी, और बहुत प्यारी भी लग रही हो. थैंक यू सो मच. खूबसूरत हसीना. ये देखो, अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोगों की तारीफ करते हैं. हाय हाय, खैर इसने मेरी तारीफ नहीं करी, कोई बात नहीं, यहाँ से तारीफ ले लेते हैं. अभी क्या कहा मैंने, अच्छे लोग हमेशा अच्छी तारीफ करते हैं. छोड़े, अच्छा चलो, खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत. लव यू. ये हुई ना बात. खैर अभी फिलहाल यहाँ पे भी आ जाते हैं. सो यस, वी हैव अ वेरी स्वीट एंड अ वेरी खूबसूरत सी डॉक्टर, डॉक्टर आमिना, अ लवली गायनेकोलॉजिस्ट, और उनके साथ एक ऐसे मर्द जो लोग के दिमाग सीधा करते हैं, पढ़ते हैं, अ वेरी नाइस डॉक्टर हु इज एक्चुअली हेल्प्ड मी आल्सो. डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, और आपकी तारीफें सुन के तो मैं और अच्छा हो गया. अच्छी बात है. वेल, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. आप बताएं, जो एक एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक है ये, और बड़ा सैड टॉपिक है इनफर्टिलिटी. जब ये किसी भी रिलेशनशिप में आता है तो घर टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, एंड आई बिलीव दिस इज़ वेरी हार्श. एक औरत को कम्प्लीटली बोल देना दैट इट्स नॉट हैपनिंग. आपको कुछ ऐसे व्हाट यू कॉल इश्यूज आपने कभी देखे हैं, क्या आपको क्या लगता है? जी मतीरा, इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एंड वॉट वी गायनेकोलॉजिस्ट, आजकल हम इसको इनफर्टिलिटी नहीं कहते, क्योंकि okay. बहुत ज़्यादा एक स्टिग्मा और हार्श वर्ड है. वी यूज़ एज सब फर्टिलिटी, यानी डिफ़िकल्टी इन गेटिंग टू गेटिंग प्रेगनेंट. ओके, ठीक है. और ये बिल्कुल आजकल बिल्कुल जैसे हम लेडीज़ ज़्यादा प्रोफेशनल की तरफ, प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाने लगी हैं, तो वी आर गेटिंग मैरिड अ बिट लेट एंड अबाउट इन ईयर लेट 30s. तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा निकल के आ रही है. ओके, तो जनरली वट I would like all the ladies and the men, mm-hmm. as a couple, they should seek infertility or subfertility advice earlier. कि अपने ज़िंदगी के 5-6 साल ज़ाया करने के बजाय वो जल्दी gynecologist या doctor के पास आएँ. अगर वो 35 से ऊपर हैं females, तो within 6 months अगर वो नहीं pregnant हो रही. And there are different treatments even as she's. They are all kind of treatment available. It's not an impossible, but maternal age, यानी औरत की उम्र बहुत ज़रूरी. अगर वो 40 साल की उम्र पे हमारे पास आएगी, तो there is not much that we can do about her. अच्छा, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, औलाद जो है ना वो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि वो बेशक जो है ना औलाद देकर भी आजमाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि औलाद नहीं भी देते और वो उसकी भी आजमाइश हो रही होती है. तो हमें किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो. बिल्कुल, कसूर किसी का नहीं होता. इट्स जस्ट लाइक अगर किसी के व्हाट यू कॉल समवन हैज सम इशू, कोई बुखार हो जाता है किसी को, आप जाकर उसको डंडे मारोगे, बुखार क्यों हुआ आपको? नो, एंड दिस इज एक्चुअली सैड दैट इन पाकिस्तान 22% ऑफ वुमेन आर एक्चुअली सफरिंग दिस. और जब हम 22% का बोलते हैं, तो इसका मतलब 22 औरतों का होम्स कुछ लोग के डिस्ट्रॉय होते हैं. सेकंड मैरिजेस, ऑफ कोर्स फैमिली उसी चीज़ पर धक्का दे देती है. आप बताएं, मर्द को कितना सपोर्टिव होना चाहिए? क्योंकि मैंने ये देखा है टेस्ट्स में ज़्यादातर मदर इन लॉ आती है और व्हाट डू यू कॉल बेगम आती है, मर्द कभी टेस्ट नहीं देता. वो ज़्यादातर ये होता है कि मेरी बेगम को आप चेक कर लें, मैं तो सही हूँ. और माँ तो ऑफकोर्स बेटे को ही सही बोलती है. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मेरा ख्याल से, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में 5 साल से काम भी कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लोग देख रहा होता हूँ, बहुत जल्दी स्टिकर लगा देना बहुत जल्दबाजी है. जब हम बहुत जल्दी ही ये फैसला कर लेते हैं ज़हनी तौर पे कि ये तो इनफर्टाइल है, अब तो मामला कुछ होगा नहीं, तो नाउम्मीदें वहाँ से आती हैं. ऑप्शंस हमें पता नहीं होते कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, क्या पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन इस खातून की है या इस मर्द की है, क्योंकि हर कहानी एक डिफरेंट कहानी रखती है. हम लोग क्या करते हैं कि फला का एक कहानी सुनी और हमने अपने घर में भी उस कहानी को दिमाग में बिठा लिया और हमने उस पर 4 साल गुजार दिए. जिस तरह अभी तुमने कहा कि टाइम ज़ाया कर जाते हैं लोग, वो 3-4 साल का की पीरियड हम किसी के और परसेप्शन के हिसाब से वो सोचने होते हैं. तो इसमें सबसे जो की लाइन है,
स्टिकर लगाने के बजाय बुरा भला कहने के बजाय आप उसकी बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन कराएं. जब आपकी ए टू जेड जिसके अंदर मर्द की भी जो सेमेन एनालिसिस आते हैं वो भी करा लिए जाएं और औरत की भी सारे टेस्ट करा लिए जाएं ड्यू टू एज है वो डॉक्टर साहबों को ज़्यादा चीज़ें पता है तो मेरे ख्याल से 2-4 साल में बहुत परसेंट होते हैं कि बच्चा हो जाए. अच्छा, अगर पेशेंट ओवरवेट है तो वो बहुत सिस्ट वगैरह की वजह से भी ओवरी में अगर होता है ओवरवेट एंड अंडरवेट की वजह से ओवरी में प्रॉब्लम्स होती अच्छा होती हैं बिकॉज ऑफ द वेट द ओवरी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. हाँ हाँ. एंड दूसरा जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हम टेस्ट कराते हैं 2-3 साल में उनको खुशखबरी मिलती है लेकिन अगर सब टेस्ट नॉर्मल भी आते हैं और नहीं कंसीव कर पाता है कपल तो नेवर से नो बिकॉज आई हैव सीन सच पेशेंट जिनका हमने सब इलाज कर लिया एंड हमने वो भी बेचारे थक गए एंड आफ्टर 5-10 years दे केम बैक टू अस विद अ प्रेगनेंसी टेस्ट मतलब विदाउट एनी आगे फर्दर ट्रीटमेंट. हां बट यू शुड नेवर से नो. आई मीन देयर इज आई थिंक देयर इज नो सच वर्ड ना उम्मीद ही नहीं होनी. अच्छा, जो कहते हैं कि एग्स जो हैं वो छोटे हैं या एग्स सही नहीं बन रहे हैं इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं जैसे मैंने बताया ओबेसिटी या अंडरवेट एक बहुत बड़ी आजकल की वजह है. जंक फूड का इस्तेमाल हमारे यहाँ खाने पीने में अनहेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बड़ी वजह है. इन वजूहत तो अगर हम एक्सक्लूड करें ना देयर आर ब्लड टेस्ट. अच्छा, एक और वजह भी आती है कभी कभार कहते हैं कि देयर इज नो एग्स बन ही नहीं रहे आपके एग्स वो इसी वजह से कि इतनी छोटी छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है. बिल्कुल वो कहते हैं मुझे चिकन जी वो हार्मोन वाली होती है इसकी भी प्रॉब्लम ये भी है प्रॉब्लम क्या. दीज आर ऑल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज व्हिच कैन बी क्योर्ड अगर लग के इलाज किया जाए और अगर डॉक्टर की हिदायत पे अमल करके अपने डाइटरी अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स डाइटरी हैबिट्स चेंज की जाए और लग के इलाज किया जाए दे आर ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दैट. आपने ये बोला दैट एब्सोल्युटली जब एक इंसान एक टॉपिक को छोड़ देता है व्हाट आई थिंक स्ट्रेस कम हो जाता है. बहुत दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम हो जाता है तो बेसिकली आपके जो एक औरत के अंदर जब व्हेनेवर अ वुमन इज हैविंग एंजाइटी तो उसके 99% हार्मोन्स पागल हो रहे होते हैं. yes. उसकी वजह से बहुत सारे औरतों को ये आप हम ये सारी चीजें इधर कभी कभी बाल आ जाते हैं यहाँ बाल आ जाते हैं. ये भी सुना होगा कि अडॉप्ट कर लो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे बिकॉज अडॉप्ट करने से उसका जहन परेशानी से निकल जाता है. बहुत अच्छी बात है. सो यस आई वुड से दैट ज़्यादातर आपके जो दिमाग का एक वो होता है आपका पार्टनर आपको कितना सुकून दे सकता है एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग. आई मीन डॉक्टर साहब देखते होंगे इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग कपल इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. प्रेगनेंसी में सबसे पहले जब हमारे पास लोग आते हैं तो जो साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन है जब मैं पूछता हूँ तो हम ट्रिगर्स पूछते हैं सबसे पहले कि ट्रिगर्स क्या है आपके. जब हम 2-3 सवाल पूछते हैं तो पता चलता है कि ये तो हर वक्त स्ट्रेस्ड आउट रहती है. सुबह उठ के इसको अपना सेंस ऑफ फेलियर है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही या मैं फैमिली नहीं बना पा रही. उस बीच में से काम काज करना है उसमें बीच में एक्सरसाइज के बजाय फिर वो टेंशन ले रही है. उसको फील कैसे होगा कि वो टेंशन में बाहर जाके नहीं कोई टेंशन नहीं ली वो टेंशन हो गया. नहीं ऐसा नहीं होता. मैं कभी भी माइंड शी इज थिंकिंग अबाउट गेटिंग प्रेग्नेंट ऑल द टाइम. हां मैं कभी भी ये नहीं बोलता किसी को कि टेंशन ना ले क्योंकि आप उसकी जगह पे जाके पूछे हैं कि टेंशन ना ले अगर इतना आसान होता तो वो मेरे पास आता क्यों. एक्चुअली टेंशन ना लेने की टेक्निक्स हैं उसमें टेक्निक्स बताएं ना. हाँ अभी तो बताएंगे अभी तो पहला ब्रेक भी नहीं हुआ रुक जाए रुक जाए. लेकिन ये चीजों को देखना पड़ता है. आपकी दुआ कबूल हो गई. पता है क्या ब्रेक आ गया. बिल्कुल जब ब्रेक आता है ना मेरी दुआ कबूल है कि मैं जानना चाह रही थी आपको सब कुछ हम बोलेंगे ट्रस्ट मी हम लिख कर भी देंगे ये सारी चीजें. एक्चुअली ये हर घर का मसला है ये सिर्फ यहाँ का नहीं है और हर औरत इस चीज से गुजर चुकी है. मैं आप आई बिलीव हम सब इसी एक एक टाइम पीरियड में हम सब इस रास्ते से निकल पड़े हैं तो मैं लोगों को ये बोलूँगी लुक आफ्टर करें और रिमोट को हाथ नहीं लगाएं धत वहीं रहें हमें देखते रहें. विल बी बैक इन अ लिटिल ब्रेक स्टे ट्यून्ड. And
वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं सेहत का सवाल, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में. एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक नाजुक सा टॉपिक है और काफ़ी औरतें इस चीज़ को ढका छुपा ही रखते हैं, क्योंकि फॉर सम ऑड रीज़न लोग को रखता है कि ये एक चीज़ जब ज़िंदगी में आ जाती है किसी की, वो व्हाट यू कॉल एक एबनॉर्मलिटी की तरह ही होती है, मतलब छुप जाओ या डिप्रेशन में चले जाओ. सो आई थिंक दो तीन लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि कभी कभी आपके मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आप इनफर्टाइल हो जाते हैं, इज़ दैट ट्रू? मिसकैरेजेस की वजह से नहीं इनफर्टाइल होते, मिसकैरेजेस कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, कंसीव नहीं करी या प्रेगनेंसी आगे नहीं चल रही होती, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे, तो मंथ्स आगे नहीं जाते, पहले मिसकैरेज हो जाता है. और दूसरा ये इम्पोर्टेंट बात मैं अपने आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जो ओवर द काउंटर या बहुत से डॉक्टर्स एग बनने की मेडिसिन देते हैं विदाउट प्रायर एनी इन्वेस्टिगेशंस, वजह कोई और होती है उस औरत की, और हम उसको एग्स बना बना के उसके सारे रिजर्व्स एग के ख़त्म कर रहे होते हैं. और जब वो किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जा पहुँचती है तो वो इतना देर हो चुकी होती है कि वो अब उस डॉक्टर के हाथ में बहुत कम इलाज रह जाता है उसको हेल्प करने के लिए. तो आप शुरू में ही अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वक्त ज़ाया नहीं करें, घर पे ना बैठें, 5-6 साल घर पे ना गुजारें. अगर आप 35 से कम हैं तो एक साल बहुत देख लें, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, डू सी अ प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट विद योर हस्बैंड. एंड व्हाट इफ व्हाट यू कॉल 20s में, अगर एक होते हैं कुछ लोग, बहुत सारी औरतें हैं व्हाट यू कॉल वर्क ओरिएंटेड होते हैं, मतलब गोल्स होते हैं उन लोग के, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप शादी और जब आप बच्चा कर रहे हो तभी आप गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ जाओ. जो है ना, लड़कियां कभी कभी भी वेट कर रही होती हैं, वो उनके मैं कितने ऐसे केसेस मेरे सामने आए, द यंग गर्ल्स एंड दे से कि नहीं हमने नहीं जाना अभी फर्टिलिटी सेंटर, या हमने जो है अभी इलाज नहीं करवाना क्योंकि अभी तो हम यंग हैं, नहीं कराती जाकर इलाज. अगर तो वो नेचुरली स्पेसिंग करना चाह रही हैं, अगर वो 20 साल की है तो उसका हक है नेचुरल स्पेसिंग करने का. 35 इस मतलब मैं कहती हूँ कि 30 के बाद कौन सी एज ऐसी है कि जिस पे जाना चाहिए फौरन. नहीं, अगर तो वो खुद अपनी मर्जी से स्पेसिंग कर रही है, ठीक है, और वो 30 की हो गई है, अब वो कहती है अब मैं प्रेगनेंसी चाहती हूँ, तो मेरा ख्याल है वो अपने हस्बैंड के साथ जाएं और तो जिन क्लिनिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग के दिमाग में एक सवाल है तो ऑफकोर्स आप अपने हस्बैंड के साथ, GKT ने बहुत सारी जगह पर क्लिनिक्स खोली हुई है, वहाँ आप जाएं, अपने आप को टेस्ट करें. कोई अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं उन सिम्टम्स को आप इग्नोर नहीं करें. ज़रूरी नहीं होता कि आपको व्हाट यू कॉल शादीशुदा हो तभी आप गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ जाएं. अगर आप व्हाट यू कॉल माँ बनना चाहती हैं तभी आप गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ जाए. अगर आपके कुछ मसले हो रहे हैं, मसले हैं, यस, मंथली इश्यूज हो रहे हैं, बहुत व्हाट यू कॉल पर्सनल इश्यूज हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड गेट योरसेल्फ रेगुलरली चेक्ड अप. और स्पेशली जब आप 30s में जाते हो तो आई बिलीव आपका एक पूरी बॉडी का चेकअप होना जरूरी है, उसमें आपकी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस आ जाती है, हर चीज आपको पता होता है कि मैं एक हेल्थी औरत हूँ. और जब एक हेल्थी औरत होती है वो उसी तरह एक हेल्थी घराना बनाती है. अच्छा, पैसे भी नहीं खर्च होंगे, कोई ऐसी भी टेंशन नहीं है, आप जाएंगे DKT तो आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे कि वहाँ जाके चलो हमें इलाज के लिए या हमें अपने खाली मालूम करने के लिए ही जो है पैसे खर्चो, तो दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? यस, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. और इसी वजह से डीकेटी वालों से आप बोलें कि एक ब्रोशर जो है घर घर में आप बांटें भी, ताकि हमारे घर की औरत की बेसिक अवेयरनेस हो. जब तक हमारे पास बेसिक अवेयरनेस नहीं होती हम उस चीज को लिफ्ट नहीं कराते. और ये बात बिल्कुल सही कि जरूरी नहीं कि बच्चे के मुतालिक ही आप गायनेकोलॉजी के पास जाते हैं, आपके अपने जाते हैं. प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में कितनी बच्चियां रहती हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कॉलेज लाइफ आप उनकी देखें, आप उनकी स्टूडेंट जॉब्स कर रही हैं, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन उनको पता ही कुछ नहीं. अच्छा, ये होता क्या, उसके आपके साइकिल्स भी चेंज होते हैं क्या, ये मेंटल स्ट्रेस से भी हो सकते हैं, जॉब करने वाली लड़कियां हैं या जो घर पे भी बेशक बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही होती है, आपकी स्लीप से भी हो सकते हैं, दोनों से हो सकते हैं, या तो प्री स्ट्रेस से साइकिल खराब हो सकती है या साइकिल में स्ट्रेस हो सकता है. इन दोनों चीजों को ट्रिगर को बहुत माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है. बहुत आम मसला है, बहुत आम मसला है, आपको पता है. और 12-12 साल ऐसे गुजार देते हैं,
और ये कोई आपको मेडिकल डॉक्टर या वो नहीं बताएगा, गायनी औरतों का, तो यस मैंने बहुत सारी स्टडीज में पढ़ा है कि उस वक्त अगर औरत थोड़ी बहुत चॉकलेट, एक चॉकलेट दिन में भी खा ले स्वीट, तो वो हाँ तो वो ज्यादा बैलेंस भी हो जाता है, उसके जो स्ट्रेस्ड आउट हॉर्मोन्स वो भी थोड़े बहुत बैलेंस हो जाते हैं. तो ये एक छोटी सी टिप थी, ये मैं करती रहती हूँ, इसलिए मैं खुद चॉकलेट हो रही हूँ. मैं तो रोजाना ही खा रही हूँ, मसला मेरा यही है. एक कहने को कहा था मदीरा इसके अलावा एक और एज है जो मैं देख रहा हूँ आजकल, जो ये सीवियर डाइटिंग की तरफ चली गई है, कि अचानक उनको रात को ख्वाब आता है कि मैंने 10 kg जीरो साइज होना है मुझे. हाँ जी, पता नहीं किसको टीवी पे देख लेते हैं, उसके बाद वो जो एक सीवियर किस्म की जो डाइटिंग पे जाती है उसकी वजह से उनकी साइकिल या उनके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, वो उसको पकड़ ही नहीं पाती. और उसके 6-6 महीने तक वो अपने जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म से लेके हार्मोनल इम्बेलेंसमेंट करती हैं, और फिर उनकी शादी होने का टाइम आता है, क्योंकि अमूमन शादी से पहले वेट लॉस का एक आप ग्रेजुअली जब वेट लूज करते हो वो ज्यादा हेल्दी होता है. उन लोगों से मुझे सख्त नफरत होती है जो ये कीटो डाइट और ये पता नहीं जूस डाइट और ये सारी डाइट होती है जो बोलते हैं 1 महीने में इतने केजीज आपके, वो आपके केजी नहीं, आपकी जिंदगी के हिस्से गिरा रहे होते हैं जनाब. आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट करते हैं जब आपको, देखो इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है, eat certain things and you were looking at that thing, khana nahi mera nazar laga raha hai. Not talking about ki aapne koi unhealthy diet, but healthy diet bhi aap quit kar rahe hote hain uske saath. Dekho insaan ki fitrat kya hai, uski fitrat hai basic instinct do's ki, don'ts pe to bachcha bhi aapko dekha bidak jata hai. Jab aap bachche ko mana karte ho ki tab to maine yahi karna hai, koi bachcha jab don'ts karke aap kitne din guzar sakte hain, 10 din 12 din 6 महीने आप डोंट्स पे गुजर रहे हैं, हम डूज पे बात नहीं करते. और जितने भी क्रश डाइट ठाक डूज होते हैं, हाँ फिर डूज नहीं भी ढज ही होता है डूज, वो फिर रिलैप्स ही बुरी तरह होते हैं. और उसी टाइम पे जो मैं, क्योंकि मैं जिम भी जाता हूँ, मेरे पेशेंट्स भी आ रहे होते हैं, सारी चीजें मैं देखता हूँ, तो हार्मोनल इंबैलेंसमेंट का एक बेसिक पार्ट बनता जा रहा है प्रोलॉन्ग अजीबोगरीब किस्म की डाइटें. एब्सोल्युटली. एक एक सवाल मेरे डॉक्टर मीना आपसे कि देखिए अभी हमने बात की यंग एज की, अब एक लड़की है जो 35 से ऊपर होगी, तो कितने एज तक वो जो है इलाज करवा सकती है अपना, या आईवीएफ भी वो करवा सकती है, कितने एज तक? अगर 35 के बाद उसकी शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ आए, हस्बैंड और वाइफ दोनों के टेस्ट होंगे, और मैं ये 6 महीने से ज़्यादा घर पे इंतज़ार ना करें अगर नेचुरली कंसीव नहीं करती है, ठीक है. और अगर फिर इलाज के हम टेस्ट के हिसाब से जो भी इसका अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर कुछ ऐसी वजूहत होती है हम कहते नहीं, आप फ़ौरन IVF की तरफ जाइए, क्योंकि आप अपना मजीद वक्त ज़ाया नहीं करें या मजीद तो कितनी एज तक जा सकते हैं? 40 तक. हाँ ओके, 40 तक IVF के एक तो मतलब एज तो कोई लिमिट नहीं होती. अगर ज़ाहिर जो औरत 40 में उसको एहसास हुआ है तो मैं वो ये सोच के कह के अब तो मैं नहीं जा सकती, नहीं वो जा सकती है, लेकिन जो सक्सेस रेट होता है IVF का वो 40 तक होता है, खराब होता जाता है. वैसे भी कहते हैं कि 25% जो है आपका होता है, उसके बाद 40 के बाद 6%. अच्छा एक और चीज़ ये भी कि खवातीन का ये होता है कि एग्स डेवलप हो रहे होते हैं, डू यू थिंक सो कि इतने अच्छे वो एग्स होते हैं कि 40 के बाद भी वो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कोई टेस्ट वगैरह होता है? जी बिल्कुल, एग्स का भी कोई टेस्ट होता है? जी बिल्कुल होता है, जी बिल्कुल होता है. देखें एग्स में क्वालिटी ऑफ एग्स बहुत मायने रखती है, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ एग जिस चीज़ से लिंक होती है वो होती है औरत की उम्र से. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है क्वालिटी ऑफ एग नीचे जाता जाता है, ठीक है. जब क्वालिटी ऑफ नीचे जाएगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते जाएंगे. तो इसीलिए 24 से 35 साल की उम्र के अंदर क्वालिटी ऑफ एग उस वक्त बेहतरीन होता है, तो हम कहते हैं कि आप ये दिस इज़ द राइट टाइम पीरियड टू गेट प्रेगनेंट. एब्सोल्युटली राइट. बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं ये भी पूछूंगी कि बहुत सारे लोग इनफर्टिलिटी को छोड़कर गायनेकोलॉजिस्ट पर नहीं जाते हैं, लेकिन बाबा की तरफ चले जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं. ये सारी चीज़ों का आपको सवाल का जवाब मिलेगा, यहीं स्टे ट्यून.
back to the segment Sehat ka sawal. Aaj hum baat kar rahe hain infertility ke bare mein, lekin hum isko ye nahi bolenge it is subfertility, right? Yes. Lekin ye masla auraton mein hi, log bolte auraton mein hi hota hai. In reality 18% in Pakistan men bhi ye shikar hai, matlab mardon ke sath bhi ye hota hai ki wo bhi 18% agar 40% auraton mein masla hai to 40% aadmiyon mein hai. Okay. Aur 20% hai ki dono couple ke andar thoda thoda masla hai. Okay. To agar aurat aati hai aur wo main isliye bar bar jatana chahungi ki apne shohar ke sath aaye aur shohar ka test bhi lazmi karaye. Baaz jagah hota hai ki aurat 6-6 mahine apna ilaaj karati hai, masla shohar mein nikalta hai. ठीक है, तो आपको आपको क्या लगता है, मतलब अगर मर्द में ये मसला हो, हाउ इज इट ट्रीटेड एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? इलाज एक होता इलाज है, सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर तो मर्द को पहले से पता हो स्मोकिंग करता हो, किसी भी किस्म का नशा इस्तेमाल करता हो और कोई खास काम ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है या बॉडी बिल्डिंग के स्टेरॉइड्स भी, बॉडी बिल्डिंग के स्टेरॉइड, यस. व्हाट अबाउट जो प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं मर्द, उसमें अगर स्टेरॉइड है तो यस, वो अदरवाइज स्टेरॉइड्स रियली रियली मेक स्टेरॉइड जो मैन आपके हाँ इनफर्टाइल कर देते हैं आदमी को. तो अगर वो आदमी को पहले से या कोई प्रीवियस सर्जरी या ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट हुआ तो आदमी को चाहिए कि पहले से मेल डॉक्टर्स हैं ऐसे जो कि चेकअप करते हैं और उनका इलाज करते हैं, और इलाज है आदमियों का. और अगर आदमी में बहुत ज़्यादा कोई मसला होता है तो देन अगेन IVF और ICSI जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उन आदमियों के लिए बेहतरीन होते हैं. लेकिन पता तो चले ना, तशखीस तो हो ना. अगर औरत मर्द साथ आए और उसी वक्त जब औरत का हम टेस्ट देते हैं, हम आदमी का भी टेस्ट देते हैं, हम कहते हैं कि शोहर बीवी साथ साथ टेस्ट कराएं ताकि दोनों का मिल के इलाज हो. औलाद एक औरत अलग के लिए नहीं पैदा करती, मियाँ बीवी के साथ औलाद पैदा होती है. तो दोनों का टेस्ट क्यों एक औरत ही इलाज कराती रहे? ये बड़ी हमारे माशरे की अगर हम बात करें, खास पे लोअर सोशल इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट कह देते ना कि मर्द को टेस्ट कराने, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो ईगो आ जाती है इसके बीच में. वो इतना दूर की बात होती है ना, जैसे कि उसको पता ही क्या बात कर दी, वो उसको एक्सेप्ट करने में 5-4 साल लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की जिम्मेदारी भी है कि वो किस तरीके से मर्द को काउंसल करें. आई थिंक माँ की जिम्मेदारी है, मर्द के माँ की जिम्मेदारी है. आई थिंक सो द मदर इन लॉ, माँ उस बारे में अपने बच्चे से डिटेल में बात कर सके. नहीं इतनी क्लोज है माँ, इतनी क्लोज है ना, नहीं है तो फिर कैसे? नहीं एनकरेज करें, बेटा बाहर जा रही है तो तुम भी साथ जाओ एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड अप टू. वो तो एक प्राइवेट चीज होती है. सबसे खूबसूरत बात ये है जो मैंने अपने हॉस्पिटल में, व्हाई नॉट फादर, अब्बा भी तो बेटे से बात कर सकते हैं ना. फिर भी मैं बताऊं जो सबसे बड़ी जो ट्रायंगल बनता है वो डॉक्टर के साथ बनता है कि मियां बीवी और डॉक्टर बैठ के बात करते हैं और डॉक्टर की ये अपनी खूबसूरती होती है किस तरीके से क्योंकि क्योंकि मैंने काम किया. मैं देखता हूँ कि जब हम उसको माए से अर के ले जाते हैं ना, यू मी से हटा के डॉक्टर की बात करें ना, घर से डॉक्टर तक कौन लेकर जाएगा? जी नहीं आते, नहीं आते. तो बात हम बीवियों से कहते रहते हैं कि शो लेके जाएगा ना, ये शो लेके जाएगा जिस पर बेसिक बात कर रहे हैं. पर मैं लोगों को ये बोलती हूँ, इट्स नॉट, अगर आपको बेबी चाहिए और आपके लिए बेबी जरूरी है, सो आई बिलीव मैं उन मर्द के खिलाफ होती हूँ. ऑफकोर्स ठीक है, मदर इन लॉ एक टाइम तक आपकी बेगम को लुक आफ्टर करती है, लेकिन शादी आपने की है, उसी तरह औरत का हाथ भी आपको पकड़ना चाहिए. अगर उसको बुखार भी हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है, आप उसको हॉस्पिटल ले जाएं. ठीक है, तो ये होता है कपल. आपकी माँ एक थर्ड व्हील नहीं बने, और ठीक है माँ का प्यार सबको अच्छा लगता है, लेकिन माँ को भी अब उनकी उम्र हो गई है ना, उनको क्या तंग कर रहे हो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें. यस, और अगर सेकेंडरी इंफर्टिलिटी है, डिनर पे जाते हैं तो अम्मा को नहीं बताते, लेकिन हॉस्पिटल जाते तो सारे बता के नहीं, फिर तो बोल रहे होते अम्मा जी आप ले जाएं. हाँ जी. वो एक डर भी होता है ना, एक फोबिया भी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये बोल दिया है कि यू नो बच्चों से ही एक मर्द नजर आता है कि उसके बच्चे हो गए तो वो मर्द होगा. पर ये हमने एक अजीब सी चीज कर दी कि मर्द रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द ऐसे माचो होते हैं. ये बड़ी हमने अजीब मिसालें डाल दी है मर्दों के ऊपर कि कुछ मर्द लोगों के सामने इमोशंस नहीं दिखाते. बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं. दुखती रख पे ये तो पूरा एक टॉपिक करेंगे कभी कि मर्द के जो एहसासात हैं अगर वो दिखाता नहीं है तो फिर भी कितने मुश्किलों से गुजरता है वो भी. मतलब उसको ये लगता है अगर वो बीवी के सामने थोड़ा कमजोर दिख जाएगा या प्यार दिखा देगा तो वो वीक हो जाएगा. बट रियलिटी टोटली उल्टा है. जो मर्द ज्यादा सेंसिटिव होता है, सबसे काइंड हार्टेड होता है, हर चीज में व्हाट यू कॉल खुद वॉलंटियर कर रहा होता है,
एक ह्यूमन शील्ड बनने के लिए तैयार होता है किसी भी हर हस्बैंड को अपनी बीवी के साथ आना चाहिए, स्पेशली जब सब 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 फर्टिलिटी की बात होती है तो फिर तो जरूरी उसको उतनी सपोर्ट चाहिए उस वक्त, उसके हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए। एक और चीज ये भी कि खुराक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें क्या क्या चीजें ऐसी खानी चाहिए जिससे एक तो ये फर्टाइल हो, मतलब दोनों जो है दोनों को क्या, हम एक की बात नहीं करेंगे, दोनों को क्या खुराक खानी चाहिए। I've heard a very good for women and you know salmon, wild salmon. हर एज हर जिंदगी के तबके से हमारे पास मरीज आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये खाना है ये नहीं खाना, वो बेचारी परेशानी होती रहे कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ, भी नहीं हो सकते। मैं अपने मरीजों को ये कहती हूँ, एक तो हेल्दी रहें, कोई अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो पहले से डॉक्टर से जाके मशवरा करें कि मैं प्रेग्नेंट होना चाह रही हूँ और मैं ये दवाएं खा रही हूँ। एक मिथ, बाज़ ख़वातीन ये समझते हैं कि डायबिटीज उनको औलाद नहीं हो सकती, ऐसा होता है? बिल्कुल हो सकती है औलाद, लेकिन डायबिटीज वेल कंट्रोल होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कोई भी बीमारी पहले से हो, बीमारी इन कंट्रोल होनी चाहिए बिफोर एम्बार्किंग ऑन द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंट होने से पहले। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल हर औरत 3 महीना पहले से शुरू करे अगर प्रेगनेंसी करना चाह रही, और हेल्दी खाए, यानी जो चीज़ कुदरत ने अल्लाह ने आपको प्रोवाइड की है, सब्जियां हैं, फल हैं, जो प्रोसेस मीट होता है, प्रोसेस फूड होता है, जंक फूड होता है, इससे दूर रहें। अच्छा, सब्जी और फल की जब बात आती है तो हमारे यहाँ पे तो सब्जियां ऐसे पकती हैं वो तेल में और घी ऑयल में, और वही वाली तेल में कोई गजाइत नहीं होती है, तो तेल अवॉइड करें, मीठा अवॉइड करें, हाँ, और रॉ फॉर्म में खाएं, सैलड्स बना के खाएं। अच्छा, मीठा क्या वो मीठा हो सकता है जो नेचुरल मीठा है, लाइक खजूर वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चीनी के फॉर्म प्रोसेस्ड नहीं, हाँ, प्रोसेस्ड कोई भी चीज, प्रोसेस चीजों से दूर रहे, हाँ, उतना आप सेहत, मतलब जो इंसानों ने उसको जाली तरीके से बना दिया, मैं तो यही कहती हूँ जाली तरीके से बनी हुई। ज्यादातर ये भी एक होता है कि सारे जो लोग हैं, मैं बोलती हूँ अगर आपका एक मिसकैरेज हुआ प्लीज टेक दैट सीरियसली, वो हाँ। बहुत सारे लोग एक के बाद दूसरे का इंतजार करते हैं, तीसरे में जब मसला आता है तब उनको पता आता है, या एक बच्चा हो गया, हमें तो हो रहा है ना प्रेगनेंसी, एक बच्चा हो गया 5 साल 6 साल 10 साल, दूसरा नहीं हुआ, बैठे रहते हैं घर पे कि एक हो गया दूसरा भी हो जाएगा, नहीं, आप जाके किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, दोनों मियाँ बीवी साथ जाइए, एक बच्चे के बाद भी मसले हो सकते हैं। मसले तो कभी भी हो सकते हैं, बंदे की औरत के हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकती है, मर्द के साथ भी हो सकते हैं, बच्चे के बाद। स्मोकिंग जो बहुत हमारे आधे मर्द तो स्मोकिंग ही कर रहे होते हैं, व्हाट पान गुटखा छालिया, ये सारी चीजें, व्हाट यू कॉल इट, रियली इफेक्ट्स साथ साथ बहुत सारे लोग के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग में भी चले जाते हैं तो स्टेरॉइड्स, और यू नो हैंडसम तो दिखते हैं फिर ऑक्यूपेशन हैजर्ड्स है, किस तरह काम करते हैं उस वजह से भी उनके फर्क पड़ता है उनकी। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए हमने आप लोग के लिए एक मैसेज दिया है कि आप लोग जा सकते हैं DKT के बहुत सारे क्लिनिक्स हैं वहाँ, अगर आप न्यूली वेड्स हैं आप जाएं, अपने आप को टेस्ट करें, पूरी तरह एक फैमिली प्लान करें, ज़रूरी नहीं होता कि कंसीव करने के लिए हॉस्पिटल जाए। कुछ लोग जिन जो ये मिसकैरेजेस से गुजर रहे हैं और उनको लग रहा है कि किसी ने काला जादू किया है, या ये तावीज़ जला दो, या इतने बकरे कुर्बान कर दो, आप ये चीज़ें नहीं करें, आप सिंपली एक साइंस है, आपकी आपके डॉक्टर है, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली इट्स रियलिटी। आप मतलब एक मुर्गी उतारेंगे, एक एक बाबा आपके नफ्स पकड़ कर बोलते हैं आपको ये मसला है, मुझे लगता है ये जैसे आपको बुखार है, आप मुर्गी करके बुखार तो नहीं, आपको पैनाडोल या पॉन्स्टन लेनी पड़ेगी, आपको दवाई तो चाहिए, हर चीज़ का इलाज है, और वो इलाज बहुत ही ज़रूरी होता है, मेंटली भी ये इलाज है, ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करें। बहुत सारे कुछ ऐसे कपल्स हैं जो इस फेज से गुजर चुके हैं और गुजरे हुए हैं, सेकंड मैरिजेस की व्हाट यू कॉल ऑप्शंस भी आ जाती है, आखिर में बीवी भी थक कर बोलती है अगर दूसरी शादी करनी है कर लो, ये सारी चीजें हमारी इसी सोसाइटी में निकलता है, दूसरी बीवी से भी बच्चा नहीं हो रहा कैसे, अभी बात है ना, मसले तो निकलते ही रहते हैं, लेकिन अभी जो निकला है वो एक छोटा सा ब्रेक निकलता है, तो यू कैन स्टे ट्यून्ड क्योंकि हम बहुत सारी बातें करेंगे।
वेलकम बैक. बहुत सारी बातें चल रही है सब फर्टिलिटी के बारे में, एंड ऑफकोर्स दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. बहुत सारे लोग तो बात भी नहीं करते, एंड आई बिलीव ये बहुत ही एक प्राइवेट मैटर होता है कपल का. सो हम उन कपल्स के लिए ये एडवाइस दे रहे हैं, ढोल नहीं बजाओ. लेकिन जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ज़्यादातर आजकल ये एक नया ट्रेंड है कि कोई भी चीज़ में मसले आ जाते हैं तो उस चीज़ को तोड़कर भाग जाओ या उस चीज़ को छोड़ दो. पुराने ज़माने में ये होता था, मसले होते थे, खड़े होकर उसी चीज़ को सॉल्व करो. जिस तरह बच्चों के साथ हम आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ बोलती थी टूटा हुआ खिलौना मतलब फिर भी तुम खेलोगी. अब यह होता है कि मेरा बेटा तोड़ देता है खिलौना और डस्टबिन में होता है, नया वाले के लिए खड़ा हो जाता है. तो हमने इसी तरह बच्चों की आदत बिगाड़ दी है, लोगों का एक अजीब सा एक ट्रेंड सेट कर दिया, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है. आप बात कर रही थी एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ में, मेंटली भी फिजिकली भी, फॉर मैन एंड वुमेन. फॉर सब फर्टिलिटी एक्टिव रहना ज़रूरी है. मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग के रोज़ हर तरह के मरीज होते हैं, सब लोग जिम अफोर्ड नहीं कर सकते. एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है, घर के काम काज. जिम जाकर भी नहीं एक्टिव है तो भी कोई फायदा नहीं, वहां बैठ के गप्पे मार रहे हैं. एक्टिव रहे, आपका वेट जो है वो हेल्दी लिमिट में होना चाहिए, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, आपके ऐसी कोई दवा इस्तेमाल ना कर रहे हो जिससे आपकी प्रेगनेंसी में मसला हो रहा है या प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चे में मसला हो. तो कौन पहले कौन सी दवाइयाँ होती? बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, अगर आपको पहले से कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई पहले से बीमारी है, फॉर एग्जांपल थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एपिलेप्सी. कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी क्या इस वो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम देती है? नहीं, बट देयर इज सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन. औरतें एंटीडिप्रेसेंट्स इस्तेमाल करती हैं, एंटीडिप्रेसेंट्स खास तौर पे जो लड़कियां आजकल एक्ने की दवाएं इस्तेमाल करती हैं, ओरल खाने वाली, yes. वो बहुत खतरनाक होती है, बच्चे में प्रॉब्लम्स लाती हैं. अगर कंसीव कर भी जाए तो बच्चा एबनॉर्मल होता है. 6 मंथ्स का प्रॉपर उसका एक क्लीनिंग फेज होता है वो. अगर हाँ, तो अगर आप कोई भी किस्म की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं आप गायनेकोलॉजिस्ट पर जाएं. मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, प्री प्रेगनेंसी विजिट टू गायनेकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि बहुत जरूरी है खासतौर पर. आप एक और चीज़ कभी कभी जिस पे कहना कि गायनेकोलॉजिस्ट पर जाएँ, बाज़ दफ़ा इतनी जल्दी जल्दी में होते हैं कि कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट इतना बैठ के इस तसल्ली से डिटेल में नहीं बात करते कि आप कौन सी मेडिसिन पहले खा रहे हैं, कौन सी नहीं खाई हैं. आई एम श्योर जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, दे मेक श्योर कि आप क्या दवाएं खा रही हैं, और अगर आप प्रेगनेंट होना चाह रही हैं तो आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप कब सो रही हैं, कब उठ रही हैं, आप खाने में क्या खाती हैं, कुछ सवाल जो हम जरूरी समझते हैं हम पूछते हैं हर मरीज से. खासतौर पर दवाएं तो बहुत जरूरी होती हैं कि अगर कोई सर्टेन. आप तो अच्छी डॉक्टर है ना. नहीं नहीं, आई एम श्योर सारे डॉक्टर. नहीं नहीं, देखिए आई सही कह रही है, मुझे दो, इट्स गुड यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. मुझे दो डॉक्टर्स याद आए जो कि बहुत ही बुरी तरीके से पेशेंट्स देखती हैं, और जिनके पास इतनी प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ वो बैठी हुई होती हैं कि इनका पेशेंट का दिल करे कि मैं उठ ही जाती हूँ. तो ऐसे डॉक्टर्स को भी चाहिए, पहले से अवेयरनेस हो कि ये जल्दी सवाल है, या पेशेंट जाके खुद ही बता दे डॉक्टर साहब मैं ये दवाई खा रही हूँ, ये सेफ होगी प्रेगनेंसी में, तो बोलेंगे हाँ यू कैन कंटिन्यू. कुछ भी है, कुछ भी है. मैं ये पर्सनल मेरा मैसेज है आपके चैनल की तवज्जो से कि डॉक्टर को कम से कम एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम पेशेंट को देना चाहिए कि yes. उसका भी कुछ बातें. मैं माना कि पेशेंट जो है बाज़ औक़ात बड़ी अजीब रिपीटेटिव बात करते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ है जब तक. और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पीछे आप एक असिस्टेंट बिठाएं जो आपकी पूरी फाइल तैयार करके आपको पेपर लाके दे. पेशेंट का राइट है, पेशेंट का राइट है ये, क्योंकि इसमें हिस्ट्री तो मैटर करती है. दो महीने पहले कौन सी दवाई छोड़ी है, दो महीने पहले क्या नहीं हुआ है, अगर दवा छोड़ी है तो तीन महीने पहले या अभी कल छोड़ी है, बहुत ज़रूरी है. अगर कुछ दवा है जो तीन महीने छोड़ना ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी से पहले, अगर उसने कल छोड़ी है तो दवा का असर तो रहेगा. अच्छा, यहाँ तक कि डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि आप वज़न कम करें. भाई कैसे कम करें, एक आम औरत आई है आपके पास, उसको नहीं पता वजन कैसे कम करना है, तो ये सब गाइडलाइन जो है उनको देना जरूरी है. आई थिंक इसमें आपको वजन कम की बात ज्यादातर, आई बिलीव बंदी को एक्टिव होना चाहिए, शी शुड बी एक्टिव इनफ दैट उसका यू नो हर होल बॉडी शुड बी फंक्शनिंग वेल. कोई चीज लेजी नहीं हो, इम्यून सिस्टम आपको सही होना चाहिए. ज्यादातर मैं औरतों को ये बोलूंगी विटामिन सी और ई की टैबलेट्स लेना भी बहुत जरूरी है. मेक श्योर कि थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म ना हो, क्योंकि जब थायराइड कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ जाता है.
उसके अलावा इवन अगर उनके हस्बैंड को डायबिटीज है या हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट कर रहा है. तो हस्बैंड को भी आके अपना दवाइयां चेक कराने इलाज कराने यू कांट जस्ट से नेवर. बिल्कुल हमेशा हस्बैंड के साथ आइए और दोनों का इवन काउंसलिंग भी एज अ कपल होती है और इवन इलाज के फिजिशियन को दिखाए या नहीं दे विल कम एज अ कपल टू अ गायनेकोलॉजिस्ट. हम लोग टेस्ट देते हैं अगर कुछ होता है उनके अंदर तो वी रेफर देम टू मेल डॉक्टर्स. तो बेसिक टेस्ट हमारे पास ही होता है एज अ कपल. तो दे शुड कम एज अ कपल गेट देयर टेस्ट डन इवेल्युएट कराएं कुछ दवाएं खा रहे हैं कुछ बीमारी है तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं तो वक्त भी जाया नहीं होता उनका और वो सही तौर पे उनको एक सही गाइडेंस मिल जाती है. और उस तो आपने ये बोला एक्सरसाइज और ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है. दिस सब्जेक्ट औरत का नहीं होता मर्द का नहीं होता ये कपल का होता है. सो आप यू और आई नहीं बने शादी में. वैसे यू एंड आई होना भी नहीं चाहिए और कोई तीसरा तो होना भी नहीं चाहिए. इट शुड बी अस एंड वी. जो भी हो जब आप शादी करते हो तो ऑफकोर्स आप वादे करते हो कि बुराई में भी साथ रहोगे अच्छाई में भी साथ रहोगे बीमारी में भी साथ रहोगे व्हाट यू कॉल खुशी में भी साथ रहोगे. तो आप ये समझो कि शादी को निभाना आसान तो नहीं है लेकिन जब आप कर लेते हो शादी तो कोशिश कीजिए आप उसको बेहतर अंदाज में निभाए और वो एक यस दैट्स रियली रियली जरूरी. और शादी की खुशी आई बिलीव आपके जो पार्टनर होता है उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट वो खुशी होनी चाहिए एंड द सेम थिंग गोज फॉर द अदर पार्टनर. ज़रूरी नहीं है उसकी खुशी व्हाट यू कॉल चीज़ें हो एक बच्चा हो. कभी कभी एक दूसरे को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है एंड इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं एक दूसरे की सेहत का भी लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है. आपकी माँ को बीच में नहीं आने चाहिए उसकी माँ को बीच में नहीं आने चाहिए क्योंकि शादी आप दोनों के हुई थी कबूल आप दोनों ने बोला था और इसी तरह आप दोनों ही अपना घर बनाते. लोगों को ये समझ में नहीं आता लेकिन मेरी एक साइकाइट्रिस्ट थी उन्होंने हमें ये बताया था दैट जब हम अपने खानदान में होते हैं तो हम उनके दरख्त पर होते हैं लेकिन जब हम किसी के साथ शादी करते हैं हमने अपना एक छोटा सा दरख्त बनाते हैं. अब उसको हम टेनियाँ करें उसमें फूल लगाएं उसमें फल दें वो हमारी जिम्मेदारी होती है. वेरी नाइस थिंग टू सो दिस इज एक्चुअली द रियलिटी. और इसी तरह ही होना चाहिए आप अपना फैमिली के दरख्त आप खुद हो कोशिश करें. और अगर अगर औलाद नहीं हो रही है तो एटलीस्ट अपने घर वाले साथ दें बनिस्बत इसके कि एक दूसरे को अक्यूज़ करते रहें लड़ाइयाँ हों. खानदान वाले भी इवन ससुराल वाले भी इस बात को एक्सेप्ट करें नहीं हो रही औलाद कोई बात नहीं हो जाएगी अल्लाह की देन है. देखो मुझे जो लगता है व्हाट आई थिंक अगर एक वो है ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. अगर मियाँ बीवी खुश हो तो दुनिया जो भी बोले मतलब एक तरफ वो एक फैक्ट है. बस मियाँ बीवी को खुश होना चाहिए. उसी तरीके से आप लोग अपनी बेगम का ख्याल रखें. डीकेटी के बहुत सारे क्लिनिक से वहाँ जाकर विजिट करें. कोशिश करें कि प्रॉब्लम छोटा हो उसी वक्त सॉल्व करें. इतना बड़ा होने का इंतज़ार नहीं करें. सिम्टम्स नज़र आए रेड फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हो तो प्लीज़ कोशिश करें उस चीज़ को आप क्योर कर लो. थैंक यू सो मच टू आर प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर्स नाजिया डॉक्टर अमीना डॉक्टर वजाहत एंड ओवर टू यू साहिर.